तो दोस्तों आ गए हम नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज का वीडियो का टॉपिक बहुत ही डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि आज के टॉपिक में हम लोग ये बात करने वाले हैं कि वेजिटो और गोजीटा में से कौन ज़्यादा स्ट्रांग है। हाँ दोस्तों, दोनों ही गोकू और वेजिटा की फ्यूजन है और दोनों का ही पावर लेवल बहुत ज़्यादा सेम है, लेकिन यहाँ पर हम लोग कंपेयर करने वाले हैं कि दोनों में से ज़्यादा स्ट्रांग कौन है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक ही बात बताना चाहता हूँ कि दोस्तों प्लीज़ हम लोगों को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम लोगों को सब्सक्राइब करने से आप लोगों का कुछ नुकसान नहीं होगा, हम लोगों को फायदा होगा, हम लोगों को मोटिवेशन मिलेगा और भी नए नए वीडियोस आपके लिए बनाने के लिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहले बात करते हैं वेजिटो के बारे में। तो हम लोगों को पता है कि ग्रैंड सुप्रीम काई ने जब गोकू को रिवाइव किया था तो गोकू ने इंस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके धरती पर आया था, और हम लोगों को पता है कि वो धरती पर क्यों आया था। वो धरती पर आया था बटरा लिंक्स लेके, ताकि वो और गोहान फ्यूज हो सके। लेकिन तब उसने धरती पर आकर देखा कि गोहान को तो ऑलरेडी माजिन बू ने हरा दिया और हरा के उसको एब्जॉर्ब कर लिया अपने अंदर। तो फिर हमें पता है कि वेजिटा को एक दिन के लिए उरानई बाबा ने धरती पर लाया था, और वहां पर गोकू और वेजिटा दोनों में फ्यूज हुआ था। मतलब बटरा लिंक्स यूज करके गोकू और वेजिटा ने फ्यूज किया था, और वहां पे पहली बार हम लोगों को वेजिटो देखने को मिला था। तो हमें पता है कि वेजिटो जब बने थे तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे। उसके बाद अपने बेस फॉर्म में वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे, माजिन बू को बहुत ही अच्छा टक्कर दे रहे थे, और उसके बाद उन लोगों ने सुपर सैन मोड भी यूज किया था। तो वो ऑलमोस्ट ही माजिन बू को वहां पर हरा रहे थे, लेकिन अचानक से वो वहां पर डिफ्यूज हो गए। हमको पता नहीं क्यों डिफ्यूज हो गए, लेकिन वहां पर वो डिफ्यूज हो गए थे। तो इसके बाद हम लोगों को वेजिटो को देखने को मिला था ड्रैगन बॉल सुपर के फ्यूचर ट्रंक सागा में, मतलब ब्लैक गोकू सागा में, जहां पे वो लोग फिर से वेजिटो बने थे पटरा रिंग से यूज करके, और वहां पे उन लोगों ने जामासूत लड़ा था। और वहां पे वेजिटो ने सुपर सैयन ब्लू भी यूज किया था, मतलब अपने वेजिटो के रूप में सुपर सैयन ब्लू भी उन्होंने यूज किया था। तो वहां पे वो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गए थे। तो अब बात करते हैं गोजीटा के बारे में। तो गोजीटा का जो फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था वो हुआ था 1995 के ड्रैगन बॉल जेड के मूवी फ्यूजन रिबॉर्न में। हालांकि ये मूवी मैंने देखा नहीं है, इसलिए इस मूवी के बारे में मुझको उतना नहीं पता, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि जानेम्बा नाम का एक विलेन था इस मूवी में, उसको हराने के लिए वो लोगों ने गोजीटा बना था फ्यूजन डांस करके। और उसके बाद गोजीटा का जो अपीयरेंस हुआ था वो हुआ था जीटी में, जहाँ पे उन गोकू और वेजिटा ने सुपर सैयन 4 में गोजीटा बने थे। तो ये तो हो गया नॉन कैनन की बात, लेकिन कैनन में जब वेजिटा और गोकू पहली बार गोजीटा बने थे वो हुआ था ड्रैगन बॉल सुपर ब्रॉली में, जहां पे ब्रॉली ने गोकू और वेजिटा को इतना ज्यादा ओवरपावर कर लिया था, उन लोगों को पिकोलो के पास जाना पड़ा था, और वहां पे जाके उन्होंने फिर से फ्यूजन डांस किया था, और वहां पे वो लोग गोजीटा बने थे, और उन लोगों ने ब्रॉली को वहां पे रोका था। वो लास्ट वाला काम में हमें हमें आप लोगों को याद ही होगा ना, तो वो जो सीन था वो बहुत ज्यादा इनसेन था, और वहां पे गोजीटा का पावर लेवल हम लोगों को देखने को मिला था। तो ये हो गया इन लोगों के बारे में कुछ बात। लेकिन अभी जो मेन मुद्दा है हमारे वीडियो का वो ये है कि गोजीटा और वेजिटो कौन ज्यादा स्ट्रांग है। अगर हम लोग नॉन कैनन को साइड पर रखें तो हम लोग देख सकते हैं कि वेजिटो और गोकू बहुत सारे नए नए ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर सकते हैं। तो अगर दोनों गोजीटो और वेजिटो बनते हैं और उस रूप में उन्होंने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, अल्ट्रा ईगो, सुपर सैयन ब्लू कुछ भी यूज करते हैं, तो दोनों का पावर लेवल सेम ही होगा। वो दोनों अलग तो नहीं है, वो दोनों सेम आदमी है, मतलब गोकू और वेजिटा के फ्यूजन ही है। तो वहाँ पे पावर लेवल उन लोगों का सेम ही होगा, कोई अलग नहीं होगा। तो मेन क्वेश्चन जो था हमारा वो इनमें से स्ट्रांग कौन है। तो हम लोग अगर देखें तो इन दोनों का पावर लेवल सब कुछ तो सेम ही है, और फिजिकली भी ये लोग सेम ही स्ट्रांग है, लेकिन इनमें से स्ट्रांग कौन है, ज्यादा स्ट्रांग कौन है। तो फिजिकली हम लोग इन दोनों के पावर लेवल्स को डिफरेंस नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि वेजिटो के अंदर एक फॉल्ट है। तो वो क्या है? तो पहले हम लोगों को पता था कि जब भी कोई भी बटरा रिंग्स पहन के फ्यूज होता है तो वो डिफ्यूज नहीं हो सकते, मतलब वो अलग नहीं हो सकते। लेकिन हम लोगों को ड्रैगन बॉल जेड में दिखाया गया था कि वेजिटा और गोकू अलग हो गए थे। हालांकि उसका आंसर तो हम लोगों को ड्रैगन बॉल जेड में नहीं मिला, बल्कि उसका आंसर हम लोगों को मिला ड्रैगन बॉल सुपर के फ्यूचर ट्रंक सागा में, जहां पे हम लोगों को पता चला कि जब भी कोई बटरा रिंग्स पहन के फ्यूज होता है, मतलब कोई मॉर्टल फ्यूज होता है, तब वो लोग 1 घंटे के लिए फ्यूज रहते हैं। पर हम लोगों को दिखाया गया था कि जामासू के साथ में लड़ने के वक्त जब वेजिटा और गोकू फ्यूज हुए थे फिर से पटरा रिंग्स पहन के, तो वहां पे वो लोग सुपर सैयन ब्लू भी वहां पे एक्वायर किए थे, लेकिन 15 मिनट तक ही वो फ्यूजन रहा था, उसके बाद वो लोग फिर से डिफ्यूज हो गए थे। तो यहाँ पे इसका कारण क्या है? तो यहाँ पे जो कारण है वो ये है कि जब भी वो लोग वेजिटो के रूप में कोई हाई लेवल ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं, मतलब जैसे सुपर सैयन ब्लू, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, कोई भी पावर ट्रांसफॉर्मेशन, तो उन लोगों का जो फ्यूजन टाइम है वो डिक्रीज हो जाता है। मतलब 1 घंटे का था, अगर उन लोगों ने सुपर सैयन ब्लू यूज किया वो 15 मिनट के हो गए, अगर उन लोगों ने उस वक्त अल्ट्रा इंस्टिंक्ट यूज किया होता वेजिटो के रूप में तो वो 1 मिनट हो जाता शायद। तो जब भी वो लोग हाई लेवल का कोई ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं तभी उनका जो टाइम है वो घट जाता है, मतलब डिक्रीज हो जाता है। अगर हम लोग गोजीटा के बारे में बात करें तो उनका जो फ्यूजन
कंक्लूजन है वो फिक्स्ड है, वो 30 मिनट्स तक ही रहेगा। अगर वेजिटा और गोकू वहाँ पे अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, अल्ट्रा ईगो, सुपर सैयन ब्लू कुछ भी यूज कर ले, उसका जो फ्यूजन टाइम है वो 30 मिनट्स ही रहेगा, वो उसके कम नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, वो 30 मिनट्स ही रहेगा। तो यहाँ पे जो कंपैरिजन है वो यहाँ पे आता है कि टाइम के बीच में। अगर आप लोग वेजिटा को देखें तो वेजिटा के रूप में वो लोग सिर्फ 1 घंटे तक रह सकते, और फिर भी वहाँ पे अगर वो लोग ज़्यादा पावर मतलब ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करें तो वो टाइम भी घटता जाता है। लेकिन गोजिटा के रूप में वो जो फ्यूजन टाइम है वो 30 मिनट्स ही रहता है, उससे कम नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि गोजिटा वेजिटो से ज़्यादा स्ट्रांग है, ये टाइम के मुकाबले में स्ट्रांग है। हाँ, फिजिकली वो दोनों सेम स्ट्रांग है, उन दोनों के पास सेम कैपेबिलिटी है, सब कुछ सेम ही है, लेकिन टाइम के मामले में गोजिटा ज़्यादा स्ट्रांग है वेजिटो से। तो अगर आप लोग इस बारे में मुझसे एग्री करते हैं तो प्लीज़ हम मुझको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि आपको कौन लगता है कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद है, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए ये वीडियो, और आप लोग मुझको बहुत सारे कमेंट्स कीजिए कि आप लोग को कौन कौन से एनिमे टॉपिक्स में वीडियो चाहिए और मैं आप लोगों को वो वीडियो दूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए एनिमे टॉपिक के साथ। दोस्तों बाय, गुड बाय।